नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम सत्श्रीकाल दोस्तों, वेलकम टू DIY JN के। दोस्तों आज के एपिसोड में हम करने वाले हैं एक और नई मशीन का अनबॉक्सिंग और रिव्यू। दोस्तों ये मशीन जैसा कि आप देख ही रहे हैं स्टारक्यू की तरफ से आती है और मैंने अमेजन से इसे मंगवा लिया हुआ है। 7,999 रुपये की इसकी प्राइसिंग है। दोस्तों इस मशीन में कुछ खास बातें हैं, वो आगे जाके मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। अभी के लिए फटाफट से हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं और अंदर से जो मशीन का ओरिजिनल बॉक्स है उसे निकालते हैं। तो दोस्तों ये है मशीन की पैकेजिंग। यहाँ पर मॉडल नंबर लिखा हुआ है सबसे ऊपर राइट साइड में ST18000। यहाँ पे एक्सेसरीज दिखाई हुई हैं, तो इसके साथ लंबी प्लास्टिक वाली गन आपको मिलेगी। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, 1800 वाट, 130 बार्स रेंज जो है इसकी और 140 जो है मैक्सिमम है। तो चलिए आप बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं मशीन कैसी है और एक्सेसरीज क्या क्या मिलती हैं हमको। तो ये है अंदर की पैकेजिंग। तो सबसे ऊपर हमको एक पैम्पलेट दिख रही है और इसके अंदर कुछ एक्सेसरीज भी हैं, तो चलिए जल्दी से खोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा इनलेट फिल्टर है, उसके बाद सेकेंड नंबर पर ये आया इनलेट का ही अडाप्टर जो प्रिमिंग साइड पर लगता है, और ये भी फिल्टर है इनलेट साइड का ही, और यहाँ पे ये टैप कनेक्टर है। तो दो दो चीज़ें दी गई हुई हैं। यहाँ पे होज़ पाइप के लिए ओरिंग्स भी दिए हुए हैं, तो हाई प्रेशर होज़ में ओरिंग्स कभी कभी डैमेज हो जाते हैं, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा सेट दिया हुआ है। और उसके बाद लास्ट में यहाँ पे नोज़ल दी हुई है जो गन के आगे कनेक्ट होगी। तो उसके अलावा यहाँ पे दो टैम्पलेट्स हैं, ये पहला वाला वारंटी कार्ड है और दूसरी वाली इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, और इसके साथ साथ आपको एक नोज़ल क्लीनिंग पिन भी मिलता है इसमें। नेक्स्ट है ये शैम्पू डिस्पेंसर। दोस्तों इसमें शैम्पू डाल के आप गाड़ी की वॉशिंग कर सकते हो, बट ये फोम प्रोड्यूस नहीं करता, तो इसे यूज़ करके हम देख लेंगे क्या ये फोम प्रोड्यूस कर सकता है नहीं कर सकता, और हम अपनी वाली फोम कैरन भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट है प्रेमिंग पाइप। दोस्तों काफ़ी सॉलिड और हैवी ड्यूटी प्रेमिंग पाइप है, 2 से 2.5 मीटर की प्रेमिंग पाइप लग रही है मुझे लेंथ में। और इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो निकलती है बॉक्स के अंदर से वो है गन। तो ये प्लास्टिक की गन है, इसके साथ ये इसकी लेंस आ गई यानी कि एक्सटेंशन रॉड आ गई, और एक्सटेंशन रॉड के आगे कनेक्ट होती है नोज़ल। तो यहाँ पर हमारी गन जो है पूरी तैयार हो गई, काफ़ी लंबी गन है, और ये इसी सर्विसिंग वगैरह जो करते हैं मैकेनिक उनके लिए काफ़ी बढ़िया प्रूफ होगी, दूर से स्प्रे कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो मशीन है ये भी काफ़ी लाइट वेट है, इसका जो बॉक्स मैंने उठाया तो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। तो ये आया इसका हैंडल जो बॉडी के साथ अटैच होगा, और बॉडी को आप ग्रिप वगैरह कर सकते हो। इसके बाद हमारी मेन मशीन है, तो चलिए इस मेन मशीन को भी बाहर निकाल लेते हैं। तो ये है मेन मशीन, काफ़ी ज़्यादा हल्की है, पोर्टेबल है, ईजी टू कैरी है, तो जो सर्विस मैकेनिक्स हैं उनके लिए ये बेस्ट मशीन है। और देख लेते हैं बॉक्स के अंदर क्या है। तो यहाँ पे ये होज़ पाइप निकल रही है, ये ऑलमोस्ट 6 से 7 मीटर की होज़ पाइप है और अच्छी क्वालिटी की होज़ पाइप है। और इसके अलावा और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 2 व्हील्स हैं जो मेन बॉडी के साथ अटैच होंगे और इस मशीन को मोबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। और ये है दोस्तों मशीन का हैंडल, यानी कि इसको पकड़ने के लिए जो सिस्टम दिया हुआ है, तो ये अटैच होगा मशीन के टॉप पे। इसे एक बार लगाएंगे, अच्छे से अंदर पुश करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा, उसके बाद कभी भी ये नहीं खुलेगा। तो इससे आप मशीन को पकड़ के इजीली कैरी कर सकते हैं और इसके पोर्टेबल फीचर का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये है वायर, ऑलमोस्ट 5 मीटर लेंथ में है वायर, तो ये भी काफ़ी अच्छा और काफ़ी कन्वीनियंट फीचर है। चलिए अब इस मशीन को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रिमिंग पाइप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो प्रिमिंग पाइप में सबसे पहले अपना अडाप्टर कनेक्ट करना है। तो ये हमारा अडाप्टर है, इसका जो रिंग है ये सबसे पहले प्रिमिंग पाइप में आपने डाल देना है। उसके बाद अडाप्टर का ये जो पोर्शन है इसमें आपने प्रिमिंग पाइप को कुछ इस तरीके से इंसर्ट करना है, और जब ये अच्छी तरह से अंदर पूरा फिट हो जाए उसके बाद ऊपर का रिंग जो है उसे दोबारा से फिट कर देना है। और जो फिल्टर अडाप्टर है वो आपने मशीन की बॉडी के साथ कनेक्ट कर देना, अच्छे से उसे स्क्रू कर दीजिए। उसके बाद अपना ये जो अडाप्टर है ये इस कनेक्टर में फिट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हाई प्रेशर होज़ पाइप है उसे आउटपुट साइड में सीधा सीधा कनेक्ट कर दीजिए, थोड़ा सा ज़ोर लगाइए और क्लिक की साउंड के साथ ये कनेक्ट हो जाएगी। इसे खोलना भी उतना ही आसान है, इस बटन को होज़ पाइप की साइड पुश कीजिए और होज़ पाइप जो है
वो बाहर आ जाएगी। सिमिलरली ये गन के साथ भी कनेक्ट होती है, सीधा पुश कीजिए क्लिक की साउंड के साथ ये कनेक्ट हो जाएगी और इसे खोलना भी सेम तरीके से ही है, रेड बटन को प्रेस करना और ये खुल जाएगी। अब चलिए मशीन को ऑन करते हैं इस स्विच से। तो यहाँ पे देखिए मशीन ऑन हो चुकी है, पानी भी बाहर निकलना स्टार्ट हो गया हुआ है। एक बार पानी के अंदर से एयर के बबल्स जो है सारे ख़त्म हो जाए उसके बाद आप मशीन को बंद करके गन को कनेक्ट कर दीजिए और आपका प्रेशर वॉशर यूज़ के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो काफ़ी बढ़िया मशीन है, प्रेशर जो है काफ़ी अच्छा है, 140 बार्स मैक्सिमम प्रेशर है और इसका ऑपरेटिंग प्रेशर जो है 120 टू 130 बार्स के बीच में है। तो ये सफिशेंट प्रेशर है अगर आपको एसी वगैरह की क्लीनिंग करनी है, फिन्स वगैरह की क्लीनिंग करनी है या गाड़ियाँ ही धोनी है, बाइक धोनी है, तो इन सभी कामों के लिए ये मशीन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। और इसकी जो लंबी गन है ये एडवांटेज प्रोवाइड करती है, हार्ड टू रीच एरियाज़ में आप इस गन की मदद से पहुंच सकते हैं। तो ये थी मशीन की बात और मशीन के प्रेशर की बात। तो चलिए अब इसका जो शैम्पू डिस्पेंसर है उसे कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ी बहुत फोम तो ये शैम्पू डिस्पेंसर बना ही रहा है। तो डोमेस्टिक वॉशिंग के लिए अगर घर में आपकी एक गाड़ी या बाइक है उसके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है, क्लीनिंग और लुब्रिसिटी ये फोम प्रोवाइड करेगी। और चलिए अब इसमें मैं अडाप्टर फिट करता हूँ। दोस्तों इस गन में जो अडाप्टर लगेगा वो बॉश का लॉन्ग नोज अडाप्टर लगेगा, ये इस तरीके का अडाप्टर, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस अडाप्टर को आपको गन में फिट करना है और इस अडाप्टर के आगे फिर आपकी नॉर्मल वाली फोम कैनन भी फिट हो जाएगी और आपकी क्यूसी नोजल टिप्स भी फिट हो जाएंगी और बाकी क्यूसी एक्सेसरी सभी इसमें फिट हो जाएंगे। तो चलिए अब इसके क्यूसी कनेक्टर में हम अपनी एमजीजीसी की फोम कैनन फिट करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि फोमिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। डिस्पेंसर काफ़ी लो क्वालिटी की फोम बना रहा था बट यहाँ पे हाई क्वालिटी की फोम बन रही है। तो इस प्रेशर वॉशर में आप इस पर्टिकुलर अडाप्टर से हाई क्वालिटी की फोमिंग भी कर सकते हैं बट उसके लिए आपको एक्स्ट्रा अडाप्टर परचेज करना पड़ेगा जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसका मतलब हाई क्वालिटी फोमिंग भी कर सकते हैं आप इस प्रेशर वॉशर से। नेक्स्ट दोस्तों इस प्रेशर वॉशर में क्यूसी नोजल टिप्स भी आप कनेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको सेपरेटली ही परचेज करनी पड़ेगी। तो दोस्तों काफ़ी बढ़िया प्रेशर वॉशर है, अगर आपका नॉर्मल पर्पज़ है कार वॉशिंग बाइक वॉशिंग का तो उसमें भी यूज़ होगा, एक्सेसरीज़ क्योंकि इसका कनेक्ट हो जाती हैं, और अगर स्पेसिफिकली आप एसी वॉशिंग के लिए आप लेना चाहते हैं एसी सर्विसिंग के लिए तो वहाँ पर भी ये बहुत बढ़िया रहेगा क्योंकि पोर्टेबल है, आप बाइक वगैरह स्कूटी वगैरह पर डाल के इसे ले जा सकते हैं। तो दोस्तों मेरी तरफ से रिकमेंडेड प्रेशर वॉशर है, अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक ड्रॉप कर दूंगा, वहाँ पर जाके आप इस मशीन को खरीद सकते हैं। दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाज़त, अगर आपको ये वीडियो और इसका कंटेंट जो है पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर कमिंग टू DIY JNK। बाय।